हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे और 6 बजे अपने दो इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि होते हैं, जहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि करते हैं। सुबह 5 बजे वाले सेशन के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं, उसके अंदर मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए कुछ और नया करने वाला हूं। तो अभी 1 तारीख से जो है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि आपको के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है गाइस, अभी जो हम लोग बात करते हैं सुबह 6 बजे वाले करंट अफेयर सेशन की, इसके अंदर हम लोग इंडिया के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर जो कि कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, इन सब में से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के, वो सारी चीजें जो कि निकाली जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज जो डेट है वो है 28th, तो आज के हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। ये सारे आपके एग्जाम हैं, इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सेशन रेगुलर देखना चाहिए। सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चन कवर करेंगे। होपफुली आप लोगों को आवाज जो है वो परफेक्टली आ रही होगी। ठीक है, तो आवाज आ रही है सबको? ठीक है, परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रोज सुबह 6 बजे ये क्लास है जो कि अपन करते हैं। तो प्रीवियस डे के क्वेश्चन करेंगे, कोट ऑफ द डे, न्यूज़पेपर, आज के दिन हिस्ट्री वाला मैंने हटा रहा हूँ, कोई लॉजिक बनता नहीं है इसका, फन फैक्ट, 5 वोकैबुलरी और क्विज। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कि हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करें तो राइट टू मैरी है ना, राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ये किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है, तो आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालांकि ये राइट जो है वो बहुत सारे परिवारों के अंदर मिलता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है अभी नहीं लेकिन कुछ टाइम के अंदर मिलने लग जाए। थोड़ा आपको प्रोटेस्ट करना पड़ता है इस राइट के लिए काफ़ी बार। चलिए, इंडियन गवर्नमेंट ने कितना फंड है जो कि एलोकेट किया था सेल्फ रिलायंट बनने के लिए? तो ये 20 लाख करोड़ रुपये था। ओके, ये आपका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से संबंधित था। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें पहले ये बोला गया कि जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन है वो बीपीएल को ही मिलता है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। 50% अर्बन और 75% रूरल एरिया को ये मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो सबसे एल्डेस्ट वुमेन होती है हाउस में, 18 साल या उससे अबो, वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है जो कि मानी जाती है, अगर उसको राशन कार्ड देना है तो। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर जो है वो घर लेके जा सकती है राशन 1600 कैलोरी पर डे। तो ये 1600 कैलोरी का प्रावधान नहीं है, 600 का है, तो ये वाला भी जो है वो गलत हो जाएगा। तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल है जो कि सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक बिगिन, तो ये कहाँ पे? वुहान के अंदर स्टार्ट है जो कि हुआ था। नेक्स्ट है जो कि है आपके अनअकैडमी को लेकर, आज लास्ट डे है दोस्तों जब आपको अनअकैडमी से मिलेगा 20% ऑफ। इसके बाद में हो सकता है 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद में ये ऑफर आए, तो आपके काफ़ी प्रिपरेशन जो है वो डिले हो जाती है, तो आज ही ले लीजिएगा क्योंकि आज 28 तारीख है। आप अगर रेफरल कोड यूज़ करेंगे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए BHU10, तो आपको 20% ऑफ है जो कि मिल जाएगा। ठीक है, मेरा चल रहा है यहाँ पे GS का फाउंडेशन बैच, जहाँ पे मैं अभी आपको बायोलॉजी जो है वो पढ़ा रहा हूँ, और अभी कुछ दिनों के अंदर नेक्स्ट 7 डेज के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री है जो कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपने कभी ज्वाइन नहीं करी है तो कर लेना यार, आपको इस कोर्स के अंदर सारे सब्जेक्ट है जो कि मिलेंगे, आपको GS पढ़ने का मजा कुछ अलग ही लेवल पे होगा। ठीक है, आप UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग किसी भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अपना गोल सिलेक्ट करना है आपको 40+ एग्जाम में से जो भी आपका गोल है, उसके बाद में प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ पे, और आप यहाँ नीचे की तरफ क्या यूज कर सकते हैं, BHU10 है जो कि लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये सारे के सारे क्लासेस जो है वो चली रही है जिसमें मैं फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूँ। smileforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके एक बच्चे के एजुकेशन भी आप 500 रुपये पर मंथ में एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज का कोट ऑफ द डे है दोस्तों, फॉल इन लव विथ योर सेल्फ। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं, दूसरे ने ये किया, दूसरे ने वो किया, उसने है ना ये वो, कई बार आपकी जगह बदल जाती है, कई बार आपके दोस्त बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि आप अकेले हो गए हो। देखो, ज़िंदगी के अंदर अगर आपको कुछ अच्छा करना है, अच्छा बनना है, और आपको लाइफ इंजॉय करनी है, और अगर आपको खुशी खुशी जीनी है ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने खुद को जो है ना वो प्यार करना सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले अगर आप अपनी कंपनी इंजॉय करते हैं तो यकीन मानिए दुनिया भी आपकी कंपनी बहुत इंजॉय करेगी। अगर आप अपनी खुद की कंपनी को इंजॉय नहीं कर पाते, कई बार ऐसा होता है ना, मैं अकेले वहाँ पर नहीं जा सकता, मैं अकेले वहाँ पर जाता नहीं हूँ, अरे भाई अपने आप को अकेलेपन का भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इंसान को, है ना, अकेले जाके बैठा करो। फॉल इन लव विथ योर सेल्फ फर्स्ट,
ओके, उसके बाद लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको प्यार करेंगे। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने आप को अच्छा करो, थोड़ा सा इम्प्रूव करो। अगर आपके अंदर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें बदलने वाली है, बदलो। अगर खुद को आप एक अच्छा नहीं बना पाओगे तो यकीन मानिए आप अपने आसपास भी अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाओगे। ओके, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉल इन लव विथ योरसेल्फ। पहले खुद से जो है ना, खुद को जो है वो पसंद करना सीखो। ठीक है, आगे बात करते हैं देंदू का फ्रंट पेज। सबसे पहले यहाँ पे एक रिलीजियस इवेंट के अंदर एक इंसिडेंट हो गया। एक रथ था जो कि हाई टेंशन वायर पे टकरा गया, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई, 15-20 लोग इंजर हो गए, वो यहाँ पे बताया गया। कहाँ पर हुआ ये? तमिलनाडु के अंदर हुआ है ना। इसके अलावा यहाँ पे राजीव गांधी असैसिनेशन के जो कन्विक्ट थे है ना, उन्होंने नियर बाय 20 साल जेल में निकाल दिए हैं। तो अब उनको रिलीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट ने मना किया था है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि अब बहुत टाइम हो चुका है, 2 डेकेड्स, 3 डेकेड्स इनफैक्ट, मतलब 30 साल से भी ज़्यादा जो है ये जेल में बिता चुके हैं, तो उनको रिलीज करने के लिए बोला है। जिसको लेकर सेंट्रल, स्टेट और सुप्रीम कोर्ट तीनों के अंदर उनके अलग अलग व्यूज हैं। यहाँ पे जो है वो स्टेट नॉट पासिंग एंड फ्यूल ड्यूटी कट टू पीपल। तो मोदी जी ने बोला है कि भैया देखो, पेट्रोल हमारे वजह से महंगा नहीं हो रहा है, हम तो कम कर रहे हैं ड्यूटी को, लेकिन स्टेट है जो कि आपको क्या नहीं कर रहा है, उसका फायदा नहीं दे रहा है। तो ये जो मोदी जी का स्टेटमेंट है वो थोड़ा वैलिडेट नहीं होता है, क्योंकि यस डेफिनेटली राज्य भी जो है बराबर का टैक्स वसूल रहे हैं वैसे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा वसूल रही है, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कट करेगी तो स्टेट की मजबूरी है, वो भी अपने आप कट करेगी। जैसे इलेक्शन से पहले देखा था हमने, 5 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम किया तो स्टेट ने भी कम किया था, लेकिन वो 5 रुपये इलेक्शन खत्म होते ही क्या हो गया, 3 दिन के अंदर रिकवर हो गया। और नियर बाय लगातार 10 दिन तक जो है 90 पैसे 80 पैसे 8-10 रुपये और ज़्यादा बढ़ा दिया गया टैक्स। तो मोदी जी का थोड़ा ये स्टेटमेंट है वो थोड़ा सच्चाई से थोड़ा दूर है। यहाँ पे बताया गया है नॉर्थ दिल्ली के लैंडफिल को लेकर जो स्मोक जो है ना, क्लाउड जो है वो स्मोक है जो कि लैंडफिल एरिया है, उसको यहाँ पे फायर है जो कि यहाँ पे लग गई है उसको लेकर। ठीक है, यहाँ पे लाउडस्पीकर का इश्यू है, इसके बारे में कवर करेंगे। कई सारे लाउडस्पीकर है जो कि रिलीजियस साइट से यूपी के अंदर हटाए गए हैं, और उनका जो नंबर है ना, वो नंबर है नियर बाय 35,000 के आसपास। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, ये क्या मुद्दा है साउंड पोल्यूशन का। यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे है कि गवर्नमेंट ने कई साल पहले ही जो है वो ऐसे लोगों को जिनको पहले घर एलोकेट किया था, जो पद्मश्री थे या फिर बड़े बड़े अवार्डीज थे, उनको खाली करने के लिए बोला है। जिसके अंदर ओडिसी डांसर है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 साल के, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सरकारी घर मिले हुए थे काफ़ी टाइम से, वो उसके अंदर रह रहे थे। तो ये काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर है जो कि दे दिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा है ना। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि दिल्ली जो है वो सेंट्रल के कंट्रोल में रहना चाहिए, नेशनल कैपिटल है तो उसको स्मॉल छोटे छोटे बजट के ऊपर जो है नहीं सस्टेन करना चाहिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई डेट फिक्स कर दी है सेडिशन पिटीशन को लेकर। तो आपको मालूम है कि ब्रिटिश टाइम का ये लॉ है सेडिशन का, ब्रिटिश टाइम का है ना, ब्रिटिशर्स ने लगाया था, और देश के जितने भी अपने बड़े बड़े लोग हैं, नेहरू जी, गांधी जी, भगत सिंह जी, सबके ऊपर जो है वो सेडिशन के चार्जेस उस जमाने में लगाते थे। तो देश आज़ाद हो गया, उसके बाद में भी ये कंटिन्यू चल रहा था। उसको लेकर पिटीशन दायर करी थी किसी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बोला था कि भैया इसको हटाओ, ये लोग जो है पहले जा रहे हैं सेडिशन केस के चक्कर में, सरकार उठा ले जाती है जिसको देखो सेडिशन के चक्कर में, तो कुछ किया जाए इसका। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमने 3 डेट दी थी, तो 5 मई के जो है इन्होंने फाइनली डेट दिए जिसके ऊपर ये सुनेंगे कि क्या सेडिशन आज भी वैलिडेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो किस प्रोस्पेक्टिव में होना चाहिए है ना, क्या उसके ऑब्लिगेशंस होने चाहिए, समझ गए। तो ये पूरा आपका फ्रंट पेज है। हमारे लिए जो डिस्कशन पॉइंट है ना, ये तो पेट्रोल डीजल तो आपको मालूम ही है सब कुछ, ये वाला मुद्दा है जिसको लेकर पेपर में भी सवाल है जो कि बन सकता है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वो 10,000 नियर बाय 11,000 अनऑथराइज लाउडस्पीकर है जो कि रिलीजन प्लेसेस से हटाए, और ठीक है अनऑथराइज, और जो टोटल नंबर है वो 35,000 जो है वो विथ इन ए परमिसेबल लिमिट है जो कि कर दिया है ना, मतलब 35,000 नहीं हटाए तो 11,000 है, और जो उनकी लिमिट है वो कितनी करिए, 35,000 के आसपास करिए। तो योगी जी का ये ड्राइव है जो कि लॉन्च किया गया है ताकि साउंड ऑफ लाउडस्पीकर जो है वो किसी और को डिस्टर्ब ना करें, आउटसाइड द प्रीमिसेस जो रिलीजन साइट है ना उसके बाहर जो है वो साउंड नहीं आए। ठीक है, चलिए, कोई भी नई साइट के ऊपर अलाउ जो है वो कोई परमिशन है जो कि अब नहीं दी जाएगी लाउडस्पीकर यूज करने को लेकर। चलिए ठीक है गाइस, तो 12 ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव जोन थे जहाँ पे जो है ये काम किया गया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो कंप्लाइंसेस थे उसको फॉलो करते हुए एक सेट ऑफ प्रेमिसेस के अंदर ही अलाउ है जो कि किया गया है। सबसे ज्यादा लखनऊ, उसके बाद गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज यहाँ से हटाए गए हैं। अब देखिए मुद्दा क्या है, व्हाट डू द नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन
2000 सेज, तो नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन जो है वो क्या बोलता है, जो हमारा सेक्शन 2 है किसका, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 का पेपर में पूछेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये एयर पोल्यूशन वाला जो एक्ट है ये कब आया था, तो ये 1981 आया था, ध्यान रखिएगा। इसी के अंदर जो है वो नॉइज की डेफिनेशन भी इंक्लूड करी हुई है, समझ गए, एयर पोल्यूटेंट के अंदर ही नॉइज की डेफिनेशन भी इंक्लूड करी गई है। और नॉइज के जो पोल्यूशन है या फिर इसके जो सोर्सेज है उसको रेगुलेट किया जाता है अंडर द नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2020। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है, सॉरी 2000 तो 2000 के अंदर क्या हुआ था, नॉइज पोल्यूशन को लेकर स्पेसिफिकली लॉ आया था जिसके अंदर उसके सोर्सेज के बारे में बोला गया। तो नॉइज पोल्यूशन रूल 2000 जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आता है। देखो जो भी चीज़ें, चाहे आपके सॉइल हो, लैंड पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, जितने भी पोल्यूशन होते हैं सारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आते हैं 1986। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझ गए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपका नॉइज वाला 2000 के अंदर आया ये इंपॉर्टेंट है, और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन आपका 1981 के अंदर आया। तीनों डेट जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ये जो आपका नॉइज पोल्यूशन वाला जो लॉ था 2000 वाला, इसके अंदर डेफिनेशन भी दी गई थी कि एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल कितना होता है, एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल कितना होना चाहिए, साइलेंस जोन किसको बोलते हैं, कौन सा टाइमिंग होता है जिसमें साइलेंस जोन आप सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन चीज़ों से साउंड निकलेगा तो उसको पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन है जो कि माना जाएगा, समझ गए। इसमें साथ में कितना फाइन लगेगा, ये सारी चीज़ें जो कि जानकारी दे रखी थी। तो देखिए नॉइज पोल्यूशन के जो रूल डिफाइन होते हैं ना उसके अंदर अलग अलग होते हैं, दिन के लिए अलग होते हैं, रात के लिए अलग होते हैं। कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो वहां पे 75 dB साउंड है जो कि अलाउ होगा। ये तो हो गया दिन के लिए और 70 हो गया आपके नाइट के लिए, ये तो हो गया डे के लिए, 70 नाइट के लिए, ठीक है। जो दिन का टाइम हम डिफाइन करते हैं वो सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक, और रात को जो है लोग सो रहे होते हैं इसलिए थोड़ा सा लिमिट जो है वो कम की जाती है, और नाइट के अंदर रात के 10 से सुबह 6 बजे का टाइम पीरियड माना जाता है जिसको हम लोग नाइट मानते हैं। तो ये दो टाइम के हिसाब से अलग अलग परमिसेबल लिमिट है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में 75 है, आपके रेसिडेंशियल एरिया में और भी कम हो जाएगी, 65 हो जाएगी, है ना, इस तरीके से 10-10 जो है वो लेस कर दी जाती है एरिया के हिसाब से, समझ गए। ये देखिए जो भी आपका कमर्शियल एरियाज है उसके अंदर 10 कम करके 65 dB हो गया दिन में, 55 dB होगा राइट में, रेसिडेंशियल एरिया में और भी कम है, रेसिडेंशियल एरिया में 55 dB है, तो रेसिडेंशियल 55, कमर्शियल 65 और इंडस्ट्रीज में 75, इस तरीके से ये तीन कैटेगरी है जो कि आप देख सकते हो, और 10-10 जो है वो रात को कम कर दो। अब रेसिडेंशियल एरिया है तो रात के टाइम पे साउंड अलाउ नहीं है, 45 dB तक का ही अलाउ है। हालांकि देखो ये रूल्स जो है वो ज़्यादातर माने जाते हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि मतलब स्पेशल सर्कमस्टेंस होते हैं, जब किसी घर में पार्टी वार्टी चल रही होती है, बहुत तेज़ साउंड चल रहा होता है, तो उस टाइम पर तो ये मतलब बहुत ऊपर पहुंच जाता है, लोग कंप्लेन भी करते हैं उस टाइम पे, लेकिन अथॉरिटीज़ को माल कोई आता नहीं है, पुलिस वाले वो बहुत ही रेयरली आते हैं, मतलब है ना। तो रात को तो क्या नॉर्मली लोग ही, अगर कोई स्पेशल डे ना हो तो फिर कंसिडर हो जाता है 45, लेकिन हाँ कभी कभार जो है वो प्रॉब्लम ज़रूर होती है, डिपेंड करता है कौन सी स्टेट की पुलिस जो है वो कितनी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सीरियस है। जयपुर में तो नहीं आते, ठीक है, जयपुर में तो कई बार ऐसा होता है कि कई जगह पर पार्टी वार्टी चल रही होती तो भयंकर साउंड चल रहा होता है, लेकिन कई लोग पुलिस वाले फ़ोन भी करते हैं लेकिन उस टाइम पे नहीं आते, उनको लगता है कौन जाएगा माथापोड़ी करेगा वाली बात है, ठीक है। साइलेंस जोन कौन सा एरिया है, साइलेंस जोन ऐसा एरिया माना जाता है जहाँ पे हॉस्पिटल के आसपास हो, 100 मीटर के आसपास हॉस्पिटल के पूरा साइलेंस जोन है माना जाता है, वहाँ पे किसी प्रकार का साउंड जो है वो अलाउ नहीं होता। हॉस्पिटल हो, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, कोई कोर्ट हो, समझ गए। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो सिर्फ 50 dB है दिन के अंदर और रात के अंदर 40 dB है। अब सोचिए स्कूल है उसके पास में पार्टी चल रही है, मतलब बच्चे कैसे कॉन्सेंट्रेट होगा, कैसे पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हॉस्पिटल और आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट और कोर्ट कचहरी, इन सब के आसपास 100 मीटर के सिर्फ 50 dB है जो कि अलाउ कर रखा है, ठीक है गाइज। चलिए तो अगर मैं बात करूँ लाउड स्पीकर के आसपास का रूल, तो नॉइस लेवल जो है ना बाउंड्री ऑफ ए पब्लिक प्लेस के अंदर अलाउ कर रखा है। जैसे कि आप लाउड स्पीकर लगाना है कोई भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको पब्लिक को कोई एड्रेस करना है, कोई बात बतानी है, लेकिन उस केस के अंदर जो है वो 10 dB है ना, उससे ज्यादा जो है उस एरिया में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब उस वाले एक प्रेमिसेस के अंदर जो आपका पूरा प्रेमिसेस है उसके अंदर जो है वो एक लिमिटेड साउंड है जो कि बाहर नहीं जानी चाहिए, ये जो रूल है जो कि डिफाइन किया हुआ है।
समझ गए, उम्मीद करता हूँ कि इससे संबंधित पूरे लॉज जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है गाइस, लाउड स्पीकर का कल्चर एक्चुअली हमारे कंट्री के अंदर ही है, चाहे कोई गीता हो, रामायण हो, या फिर आपके क्या बोलते हैं नवाज का टाइम हो, है ना, जब कोई भी रिलीजन एक्टिविटीज़ होती है तो लाउड स्पीकर का कल्चर हमारे यहाँ पर ही है, इंडिया में ही। अदरवाइज अगर आप बाहर के कंट्री में देखोगे तो वहाँ पर भी हर रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको इस तरीके का कोई भी साउंड को लेकर जो है वो डिवाइस आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी यूरोपियन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशियन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। हर जगह पर रिलीजन, हर रिलीजन के लोग हैं जो कि रहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं पेज नंबर 5 को लेकर। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे आंध्र प्रदेश को लेकर, आर्कियोलॉजी म्यूजियम को लेकर। ठीक है गाइस, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग है, केरला के अंदर एक लड़की थी जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर क्या किया, कॉस्मेटिक साइंस की स्टडी करी। उन्होंने 134 तरीके के सोप है जो कि बनाए अलग अलग चीज़ों से। फाइनली ये एक कंक्लूजन के ऊपर निकल के आए कि जो डोंकी का जो मिल्क होता है ना, वो स्किन के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो इन्होंने एक सोप बना दिया जिसमें डोंकी का मिल्क है जो कि इंक्लूड होगा, है ना। इनका ये कहना है कि इजिप्ट की जो महारानी हुआ करती थी, उनके भी वो लोग भी डोंकी का ही मिल्क है जो कि यूज़ किया करते थे स्किन केयर के लिए। तो उन्होंने ये सोप है जो कि बना दिया है। ठीक है, केरला का जो खादी बोर्ड है उसने भी सोप को इंट्रोड्यूस है जो कि किया है, ब्यूटी सीक्रेट है जो कि बताया है। ओके, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, SSLV के बारे में, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट जो आंध्र प्रदेश का है, उन्होंने एक म्यूजियम बनाया है इलूरू के अंदर, 400 आर्टिफैक्ट्स है जो कि यूज करे। और यहाँ पे ये जो 400 आर्टिफैक्ट्स है ये पता है कितने, 2500 साल पुराने तक है। यहाँ पे 600 BC से लेकर 4th century BC तक के, वहाँ से लेकर 19th सेंचुरी तक के चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे रखी गई है। नियर बाय 4 करोड़ रुपए का आसपास का ग्रांट है जो कि यहाँ पे दिया गया है। अपग्रेडेशन ऑफ द म्यूजियम स्कीम है जो कि इनके द्वारा लॉन्च करी गई थी, 2000 स्क्वायर यार्ड के अंदर कैंपस में इसको बना रखा है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे, देखो 18 मई जो है ना, 18 मई जो आता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ओके, तो म्यूजियम जो है वो 18 मई को ही है जो कि इसको ओपन किया जाएगा, जहां पे 400 के आसपास आर्टिफैक्ट्स है जो कि देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब स्कल्पचर्स है, टूल्स है, मेन्यूस्क्रिप्ट्स है, कॉपर इंस्क्रिप्शंस है, ब्रॉन्ज क्वाइन है, वेपन, ऑयल पेंटिंग, 18वीं-19वीं सेंचुरी के बुद्धिज्म के टाइम के है ना अयाका पिलर है, बहुत सारी चीजें जो कि यहाँ पे रखी गई है। ठीक है गाइस, बस इतनी बात है। आपसे पेपर में सिंपल से सवाल पूछेंगे कहाँ पर ओपन किया गया, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं SSLV को लेकर। देखिए क्या है कि इसरो इज होपिंग टू हैव ऑल 3 डेवलपमेंट फ्लाइट्स प्लान्ड फॉर इट्स बेबी रॉकेट। देखो अभी रिसेंटली क्या है, प्रॉब्लम क्या है पहले ये समझो। हम लोग कोई काम करते हैं, इसरो कोई काम करता है तो प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है, सिंपल से लॉजिक है ना। तो पहले समझो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कई सारी छोटी छोटी सेटेलाइट है जो कि भेजते हैं हमारे, जैसे कई सारे स्टूडेंट सेटेलाइट होती है, स्टूडेंट बनाते हैं किसी को स्कूल के, कई सारे कॉलेज के बच्चे सेटेलाइट बनाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे सेटेलाइट बनाते हैं, तो हमें इसरो उनको स्पेस में लेके जाता है। अब लेके जाने के लिए प्रॉब्लम क्या है, हमको PSLV काम में लेना पड़ता है क्योंकि सबसे सस्ता है PSLV, एक्यूरेट भी है, हम चाहते नहीं हमारे मिशन फेल हो। अब PSLV लेके जाने में भी काफ़ी कॉस्ट आ जाती है, तो हम चाहते हैं, क्योंकि PSLV भी काफ़ी बड़ा है यार, 20-22 मीटर का काफ़ी बड़ा है, तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा एक लॉन्च व्हीकल बना दिया जाए स्मॉल सेटेलाइट के लिए जिसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगे हमारे और हमारा काम भी हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसरो क्या कर रहा है, SSLV है जो कि डेवलप कर रहा है, समझ गए। ये सिंपल सा लॉजिक है, इसरो जो है वो 3 डेवलपमेंट फ्लाइट है जो कि प्लान कर रहा है बेबी रॉकेट के साथ में। बेबी रॉकेट कौन सा है, स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV है, 2022 के अंदर टारगेट है जो कि इसको किया जा रहा है। इसरो के जो चेयरपर्सन है सोमनाथ जी, उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है, समझ गए। और जून के अंदर पहली सेटेलाइट है जो कि हो सकती है। इसको डिजाइन किया गया है ऑन डिमांड लॉन्च करने के लिए, जल्दी भी लॉन्च हो जाए, साथ में सस्ता भी लॉन्च हो जाए, और स्मॉल पेलोड है जो कि ऑर्बिट के अंदर सेटअप हो जाए। नैनो, माइक्रो, स्मॉल सेटेलाइट जो है ना उनको लॉन्च करने के अंदर ये काफ़ी मदद करेगा। ठीक है गाइस, 3-स्टेज रॉकेट है विथ हाइट ऑफ 34 मीटर और नियर बाय 120 टन है जो कि ये लेके जा सकता है। वहीं PSLV की बात करें तो PSLV देख सकते हो आप 44 मीटर का है, 4 स्टेज है और 320 kg तक, 320 टन तक जो है वो लेके जा सकता है अपने एक्सेल वेरियंट के अंदर। इसकी जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा 500 टन तक भी जो है वो बढ़ाया गया है, 120 नहीं है, 500 के आसपास है जो कि SSLV को बढ़ाया गया है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी इसके अंदर किया जा रहा है, इसी के साथ में ही इसको बिल्डअप किया गया है।
ताकि 500 केजी तक का पेलोड है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ये लेके जा सके, समझ गए। टोटल वेट तो 120 टन ही है, टोटल वेट तो 120 टन ही है, लेकिन जो पेलोड है जो अंदर जो ये लेके जाएगा उसका वेट 500 केजी के आसपास है, ठीक है। चलिए ये बात आपको यहाँ पे लास्ट ईयर जो है इसको जितेंद्र सिंह जी जो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, उन्हीं के द्वारा ये बात बोली गई। 170 करोड़ रुपए का बजट है जो कि इसके लिए पास किया गया था, समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉलेस्ट व्हीकल होगा ये जिसका वेट 110 टन के आसपास होगा और ये सिर्फ 72 आवर्स लगाया जाएगा इसको इंटीग्रेट करने के लिए, सिर्फ 72 आवर्स के अंदर ये पूरा सेटअप हो जाएगा। अभी अगर आपको लॉन्च करना है तो कम से कम 70 दिन तो लग ही जाते हैं, तो कहां पे तो 70 दिन और कहां पे 70 घंटे, बहुत ज्यादा फर्क हो गया, समझ गए। आप देख सकते हो सैटेलाइट का जो वेट है वो भी 500 केजी तक का है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लेके जा सकता है। पीएसएलवी जो है वो 1000 केजी तक लेके जाता है। ये थ्री स्टेज ऑल सॉलिड व्हीकल होगा, पूछेंगे पेपर में ये कौन सा स्टेज वो है ये व्हीकल है, तो ऑल सॉलिड व्हीकल है। कैपेबिलिटी मैं आपको बता ही चुका हूं, 500 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट तक है जो कि इसको लेके जा सकते हैं, समझ गए। ये आप देख सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लॉन्च ऑन डिमांड, ऑन डिमांड आप इसको लॉन्च कर सकते हो क्योंकि 70 घंटे लगेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। और लोअर पर केजी लॉन्च कॉस्ट है ना, टर्न अराउंड टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, प्रोडक्शन रेट जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। छोटी छोटी सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कभी हमें सोचना नहीं पड़ेगा, 6 से 8 मिशन जो है हम 1 साल के अंदर है जो कि कर सकते हैं, ठीक है। 500 केजी तक जो है ये 500 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है। इससे पहले जो हमारे लॉन्च व्हीकल थे जिससे हम लोग सैटेलाइट लेके जाते थे, तो सबसे पहले हमने बनाया था एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये देश का पहला था, एसएलवी जिसको कहते हैं। उसके बाद में हमने एएसएलवी बनाया, ये सेकंड वाला जिसमें 150 किलो तक लेके जा सकते थे हम लोग वेट को सैटेलाइट को। फिर बाद में लेके आए हम लोग पीएसएलवी। पीएसएलवी दोस्तों बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था हमारे इसरो के काम के लिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता एक तो सैटेलाइट लेके जाता है और सबसे एक्यूरेटली जो है ये एस्टैब्लिश करता है, इसलिए दुनिया के बहुत सारे देशों के हम लोग पीएसएलवी से रॉकेट लॉन्च करते हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये था कि ये बड़ी सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाता, ज़्यादा वेट की सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाता, उसके लिए फिर हमने बाद में जीएसएलवी बनाया। तो पीएसएलवी को पहली बार 1994 के अंदर यूज़ किया गया और अब जो है इसको बहुत इंप्रूव कर दिया गया है, बहुत पावरफुल है। पहली बार लॉन्च का लॉन्च जो करा जा रहा था उस टाइम पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। पहला रॉकेट तो आपको देखा ही होगा कि हम लोग साइकिल पे लेके जा रहे थे, है ना, वो फोटो देखी होगी आपने, ठीक है। उसके बाद में मोस्ट, आज के टाइम पे पीएसएलवी मोस्ट रिलायबल रॉकेट है जो कि इसरो का माना जाता है। 54 में से 52 फ्लाइट है जो कि हमारी सक्सेसफुल रही है, चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट, ये सब जो है वो इसी के द्वारा भेजी गई, ठीक है। इसके अलावा जीएसएलवी की बात करें तो जीएसएलवी मोर पावरफुल रॉकेट हैवियर सैटेलाइट के लिए हमने बनाया है इसको। 18 मिशन जो है ये लेके जा चुका है जिसमें से 4 फेल हुए। ये देख सकते हो 10,000 केजी सैटेलाइट है जो कि ये लेके जा सकता है, 10,000 केजी तक के सैटेलाइट। क्रायोजेनिक इंजन है जो कि इसमें यूज होता है और ये हमने खुद ने भी जो है ये फ्यूल है जो कि बनाना चालू कर दिया ताकि हम बाहर से इसको लेके नहीं आ सकें। इससे पहले हम लोग यूरोपियन एरिन लॉन्च व्हीकल के ऊपर डिपेंडेंट थे हैवियर सैटेलाइट के लिए। अब हम लोग जो बना रहे हैं वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं। ग्लोबल डिमांड है, छोटी छोटी सैटेलाइट की कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, जल्दी जल्दी काम कर सके। इसके बाद में हम लोग रीयूजेबल रॉकेट के ऊपर काम करेंगे जैसे कि अभी स्पेसएक्स करता है, एक ही रॉकेट 10 बार है जो कि उसको हम लोग काम में ले सके ताकि जो कॉस्ट है, एनर्जी है, वो हम लोग कम कर सके, समझ गए। हमारा पैसा भी जो है इससे कम लगेगा। आगे बात करते हैं पेज नंबर 12 की। यहाँ पर एक तो जूट के क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसकी वजह से बीजेपी के एमपी अर्जुन सिंह वो खुद जो है वो प्रोटेस्ट करने के ऊपर उतारू हो चुके हैं। जूट इंडस्ट्री जो है वेस्ट बंगाल के अंदर थोड़ी हिलती हुई नजर आ रही है, कई सारी मिल्स है जो कि क्लोज हो गई है, तो उसको लेकर काफी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। थोड़ा सा और मुद्दा बड़ा होगा तब हम लोग बात करेंगे, तब क्योंकि तभी पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा तो कुछ और यहाँ पे खास नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे हमारे जो नेवी चीफ है उन्होंने यूक्रेन की भी तारीफ करी है कि यूक्रेन जो है वो काफी अच्छा कर रहा है टेक्टिकल लेवल के ऊपर, है ना, वो भी इन्होंने यहाँ पे बताया है। चलिए तो रिसेंटली जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई जिसको मोदी जी हेड करते हैं, उन्होंने अप्रूव किया 4,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किसके लिए, 540 मेगावाट का ख्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए जो कि चिनाब रिवर के ऊपर बनाया जाएगा, समझ गए। तो पहला तो देखो ये जो रिसेंटली वाला है ना, ये जो रिसेंट प्रोजेक्ट है ये आपसे पेपर में पूछेंगे कि कौन सी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, चिनाब के ऊपर बनाया जा रहा है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये आपको ध्यान रखनी है, समझ गए। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट जो है वो
प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी भी है जो कि काम करती है चिनाब के ऊपर, रिवर्स के ऊपर कई सारे जॉइंट वेंचर करती है ना। इसके अंदर जो चिनाब वैली प्रोजेक्ट है ये NHPC और जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट पावर डिपार्टमेंट है, इन दोनों ने मिलकर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी चिनाब वैली प्राइवेट लिमिटेड, तो वो काम करती है यहाँ पे, समझ गए। जिसके अंदर आप देख सकते हो इक्विटी सरकार NHPC के पास में 51 है और 49% जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास में, ठीक है गाइस। चलिए, तो इससे लोगों को जॉब भी मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, लोन फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल करवाई जा रही है और काफ़ी चीज़ें जो है वो और बेटर हो जाएगी। इसके अलावा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने भी अपनी ब्रांचेज है जो कि यहाँ पे बढ़ाई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर के कौन कौन से प्रोजेक्ट है, कौन कौन से नदी के ऊपर है, ये पेपर में डायरेक्टली सवाल आता है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बता देता हूँ। जैसे कि बगलियार पेपर में पूछते हैं आपसे, तो ये भी चिनाब के ऊपर है, समझ गए, बगलियार इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चिनानी की बात करें तो ये तावी रिवर के ऊपर है चिनानी, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों। इसके अलावा दलस्ती प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है जो कि चिनाब के ऊपर है, और किशनगंगा तो किशनगंगा के ऊपर ही है। ये निम्बो इंपॉर्टेंट है जो कि इंडस रिवर के ऊपर है। इसके अलावा रणजीत सागर डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके रावी नदी के ऊपर है गुरदासपुर वाले एरिया में, है ना। और ठीक है, यूरी वाला तो झेलम के ऊपर है उरी, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है चार पांच जो कि पेपर में डायरेक्टली आता है। सलाल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके चिनाब के ऊपर ही है, समझ गए। तो आप देख सकते हो चिनाब के ऊपर कितने सारे हो गए आपके, एक तो सलाल हो गया, दलस्ती बगलिहार हो गया, ठीक है, उसके अलावा दलस्ती हो गया, तो ये तीन चार प्रोजेक्ट आपके चिनाब के ऊपर है, ध्यान रखने आपको पेपर में आता है। पेज नंबर 12 की बात करें तो दोस्तों रशिया ने रिटेलिएशन के अंदर दो नाटो कंट्रीज के गैस सप्लाई है जो कि बंद कर दी है। तो फाइनली दोस्तों वो दिन आ गया जब रशिया भी जो है वो जो यूरोपियन यूनियन जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको गैस सप्लाई के अंदर रिटेलिएट करने लगा। क्योंकि पहले तो हालांकि देखो रशिया के पास में एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, किस चीज़ का, कि वो गैस सप्लाई करता है, नेचुरल गैस सप्लाई करता है, 40% रिक्वायरमेंट यूरोप की वही पूरी करता है। लेकिन धीरे धीरे यूरोप भी जो है वो होशियार बन रहा था, वो भी क्या कर रहा था, धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंस रशिया के ऊपर कम कर रहा था, और आने वाले 5-10 साल के अंदर वो अपनी डिपेंडेंस कम कर भी देता है ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ता रशिया भेज रहा है कि नहीं भेज रहा। लेकिन रशिया ने क्या किया, एक बिल्कुल जल्दी से जो है ये स्टेप लिया और दो नाटो नेशंस की सप्लाई जो है वो बंद कर दी। अभी प्रॉब्लम ये है कि राइट नाउ यूरोप प्रिपेयर नहीं है इस कंडीशन के लिए कि अगर रशिया नेचुरल गैस नहीं देगा तो यूरोप क्या करेगा, अमेरिका से मिलेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं ले सकता वो, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पर रशिया ने जो है दो कंट्रीज, रशिया ने कट ऑफ कर दिया नेचुरल गैस सप्लाई पोलैंड और बुल्गेरिया के, दो मेंबर है पेपर में पूछेंगे, एक तो पोलैंड है और एक बुल्गेरिया है, समझ गए। और ये स्टैंड ऑफ जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है, यूरोपियन लीडर्स ने इसको एक तरीके से ब्लैकमेल है जो कि बोला है। यूएस और कई सारे वेस्टर्न अलायंस जो है ना वो क्या कर रहे थे, सैंक्शन जो है वो बढ़ा रहे थे अभी रशिया के ऊपर, सैंक्शन तो बैंकर लगा दिए, रशिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से डिवास्टेड हो चुकी है, रूबल की हालत खराब पड़ी है, रूबल के साथ में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी नहीं कर पा रहे, तो हालत बहुत खराब है रशिया की आज के टाइम पे, ओके। और दूसरा इसके ऊपर मिर्ची मसाला क्या लगा दिया वेस्टर्न कंट्रीज ने, कि यूक्रेन को और हथियार और पैसा दे दिया, जिसकी वजह से वो अपनी टेरिटरी को और अच्छे से डिफेंड कर पा रहा है और ये युद्ध खत्म नहीं हो पा रहा, रशिया के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन चुकी है ना। क्रेमलिन जो है मोस्ट एसेंशियल इसका जो एक्सपोर्ट का हथियार था वो यही था कि एंड ऑफ द डे ये क्या कर दे, रशिया यूरोप के अंदर गैस को बंद कर दे, जिससे क्या होगा यूरोप के अंदर गैस प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेरे फ्रेंड जर्मनी नीदरलैंड में रहते हैं उन्होंने बताया था कि जो सर्दियों के टाइम पे उनको घर को गर्म करने के लिए है ना, उनके वहाँ पे हीटर यूज़ नहीं करते, आपका घर जो है ना उसी के अंदर आपके गर्म ठंडी भी वहीं से, AC भी वहीं से काम आता है, और आपके जो गर्म रखने के लिए जो है वो हीटर भी उनके इनबिल्ट होता है, तो वो गैस के तौर पे गैस का बिल आता है उनके वहाँ पे, तो गैस से वो घर को गर्म रखते हैं। तो जहाँ पे पहले 400-500 यूरो आया करता था अभी वो बढ़ के 1000 यूरो से भी ज़्यादा हो चुका है, कई सारे ऐसे सिटीज़ के अंदर जो है काफ़ी प्राइसेस ऊपर बढ़ चुकी है, और अब अगर ये सप्लाई बंद कर देगा तो और ज़्यादा ऊपर पहुँच जाएगी, क्योंकि वहाँ पे तो ठंड पड़ती है, अभी भी ठंड पड़ेगी पूरा ठंडा, 6 महीने बाद तो और भयंकर ठंड पड़ेगी, तो ये कंडीशन है। अब गैस प्राइसेस यूरोप में ऊपर बढ़ जाएगी तो रिसेशन आने की कंडीशन जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। तो कुल मिला के रशिया का मोटिव यही है कि यूरोप के अंदर कैसे इनस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए ताकि वो यूक्रेन की हेल्प नहीं करे, और उसके अंदर एक ये बहुत बड़ा स्टेप है जो कि इसने लिया है। पोलैंड एक तरीके से गेटवे माना जाता है, पोलैंड के ऊपर क्यों किया है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर हथियार जो आते हैं ना वो पोलैंड के रास्ते से आते हैं, तो पोलैंड की जो पोजीशन है वो एक तरीके से वो गेट है यूक्रेन के अंदर हथियार लेके जाने के लिए। अगर पोलैंड मना कर देता है कि मैं हथियार नहीं भेजूंगा
अलाउ नहीं करूंगा तो फिर यूक्रेन के पास हथियार नहीं पहुंचते, इसलिए पोलैंड के ऊपर अटैक है जो कि रशिया ने किया है, मतलब समझ गए। चलिए, बुल्गेरिया ने भी जो है वो सेम स्टैंड है जो कि लिया है, और अपने पुराने जो दोस्त था मॉस्को उसको सपोर्ट ना करते हुए जो है वो किसके पास चला गया, वेस्टर्न कंट्रीज के पास चला गया। चलिए ठीक है, तो ये दोनों कंट्रीज जो है वो काफ़ी ट्रबल के अंदर है जो कि आ सकते हैं, क्योंकि अभी इनकी एनर्जी डिमांड पूरी होना बहुत ही मुश्किल है। 27 नेशन जो यूरोपियन यूनियन है उन लोगों के लिए एक बहुत बड़े चिंता की बात है कि आने वाले दिनों के अंदर इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए। चलिए ठीक है गाइस, तो ये बात हो चुकी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये सारे कंट्रीज देखो कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है। फिनलैंड 67%, रशिया जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर है गैस का यूरोप के अंदर। टोटल अगर ईयू की बात करें तो 40% गैस रशिया से मिलती है। फिनलैंड 67, एस्टोनिया 46, लैथविया 100%, लिथुएनिया 41, पोलैंड 54, स्लोवाकिया 85, चेक रिपब्लिक 100%, हंगरी 95, ऑस्ट्रिया समझदार था 0%, क्रोएशिया स्लोवेनिया ये भी कम है, इटली 43%, रोमानिया बुल्गेरिया ग्रीस तीनों के तीनों 40% से ऊपर है। जर्मनी देखिए 66%। जर्मनी क्यों डिपेंडेंट है इतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्ड है ना, एक पाइपलाइन है जो कि जर्मनी के अंदर जाती है, वो रशिया से लेती है इसने वो पूरी की पूरी पाइपलाइन। उसके अलावा नीदरलैंड 26%, डेनमार्क 0 है, स्वीडन 13, और ये कंट्रीज भी थोड़े थोड़े डिपेंडेंट है, लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा इतना इम्पैक्ट है जो कि नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, है ना। कुल मिला के इम्पैक्ट जो है वो इन सारी यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर है जो कि पड़ने वाला है। ये देख सकते हो ये सारे के सारी सप्लाई और ये सारे पोर्ट हैं गैस इंपोर्ट टर्मिनल से, कि ये लोग यहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं। उसके बाद ये पुरानी वाली नॉर्ड स्ट्रीम, ये नई वाली है नॉर्ड स्ट्रीम 2, ये पुरानी वाली नॉर्ड स्ट्रीम है, ये रिसेंटली जर्मनी और रशिया के बीच में जो है ये डायरेक्टली गैस पाइपलाइन है जो कि डाली गई थी। ओके ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब क्या होगा कि नेचुरल गैस के लिए लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि शिप के माध्यम से किसी दूसरे कंट्री से लेके आ सकें, जैसे कि नॉर्वे अजरबैजान यहाँ से ले ले, है ना, जल्दी से जल्दी विंड और सोलर एनर्जी के ऊपर स्विच कर ले जल्दी से जल्दी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतनी जल्दी जो है ये विंड और सोलर एनर्जी के ऊपर नहीं जा पाएंगे। रशिया अगर इन्होंने सोच लिया था पहले कि रशिया के ऊपर से 2/3 जो डिपेंडेंस है ना उसको ये लोग हटा देंगे 2027 तक, इन लोगों ने पहले भी डिसाइड कर लिया था, लेकिन इतनी जल्दी करना, 1 साल 6 महीने के अंदर पूरा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ओके, अब आने वाले दिनों के अंदर कैसे ये लोग सस्टेन करेंगे ये एक अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है। जर्मनी के पास में कोई इम्पोर्ट टर्मिनल नहीं है डायरेक्टली, उसके पास में नोर्थ से ही जो है वो पूरी गैस आती है। इटली 40% डिपेंडेंट है। अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अल्जीरिया अजरबैजान अंगोला कॉन्गो इन कंट्रीज से जो है वो गैस ले लें। अब इन कंट्रीज से लेंगे तो ये तो ऑब्वियस बात है प्राइसेस तो बढ़ाएंगे ही, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। अब अगर बढ़ जाएगी तो इनके महंगाई बढ़ जाएगी, तो ये सिंपल सी कंडीशन है जो कि अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है चाइना में फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन है जो कि H3N8 स्ट्रेन का बर्ड फ्लू का जो है वो देखने को मिला। हालांकि जो इसकी रिस्क है स्प्रेड होने की वो बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पे पहला एक 4 साल का बच्चा है, मतलब उस बच्चे को जो है फीवर और सिम्टम्स है जो कि देखने को मिले। टेस्टिंग कराई तो बाद में पता लगा कि कई सारे चिकन्स और काओ के साथ में कॉन्टैक्ट में था, उसके वजह से H3N8 वेरिएंट है जो कि कॉमन होता है हॉर्सेज और डॉग्स में, है ना, और सील्स के अंदर भी मिलता है। ह्यूमन केसेस इसके अभी तक रिपोर्ट नहीं करे गए थे, लेकिन अब जो है वो पहला केस है H3N8 का बर्ड फ्लू का जो कि देखने को मिला है। हालांकि जो इसका स्प्रेड होने का जो चांस है वो बहुत ही कम है, लेकिन वही बात है कि रशिया चाइना के अंदर तो मतलब इस तरीके के कई सारे वायरसेस आते रहते हैं जाते रहते हैं, होपफुली बस ये स्प्रेड ना हो किसी भी तरीके से। आगे बात करते हैं पेज नंबर 14, यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे टाटा एयर एशिया को जो है वो खरीदने वाला है 100% वो बताया गया है। तो टाटा ग्रुप जो ओन करता है ऑलरेडी एयर इंडिया को, है ना, उन्होंने प्रपोज किया है कि वो एंटायरली जो है वो क्या करेंगे एयर एशिया को खरीदना चाहते हैं। हालांकि ऑलरेडी टाटा के जो है ना एयर एशिया के अंदर स्टेक है, लेकिन वो चाहते हैं कि उसको मेजॉरिटी स्टेक है जो कि उनके पास में आ जाए। ओके, टाटा ब्रॉट इन्होंने पहले एयर इंडिया को अभी मालूम है आपको $2.4 बिलियन के अंदर खरीदा था 70 साल की ओनरशिप के बाद में, और एयर एशिया के अंदर भी इनके पास में 83% स्टेक है, लेकिन ये 100% है जो कि चाहते हैं, तो इसलिए पूरी तरीके से खरीदना चाह रहे हैं। एयर एशिया 2013 में स्टार्ट हुआ था, कई सारी सिटीज़ में इसकी फ्लाइट जाती हैं, टाटा ग्रुप के पास में 83% है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, है ना, और बनमाली अग्रवाल जो है वो इसके चेयरपर्सन है, सुनील इसके CEO हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है फाइनेंशियल एक्सप्रेस और साथ में आपके जनसत्ता में। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेक्स्ट है प्रिजर्वरेंस रोवर को लेकर, जिन्होंने एक इक्लिप्स है जो कि मार्स के ऊपर जो है रिसेंटली विटनेस किया। आपको मालूम है ना नासा ने जो है एक अपना रोवर भेजा था
क्या नाम था इसका? परसिवरेंस, याद है? तो ये इसने क्या किया है, मार्स के ऊपर सोलर इक्लिप्स है जो कि विटनेस किया है। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? इक्लिप्स का मतलब होता है छुपना। तो जब सूर्य छुप जाए तो उसको सोलर इक्लिप्स, समझ गए? जब मून छुप जाए तो वह लूनर इक्लिप्स। तो क्या हो जाता है, जब आपके आपके प्लैनेट और सन के बीच में जब कोई सैटेलाइट आ जाए, जैसे कि मून आ जाए या मार्स का मून उसके बीच में आ गया, तो क्या हो जाए कि एक जगह से बीच में आने की वजह से सनलाइट उस जगह पर नहीं आ पाती, तो सूर्य जो है वो छुप जाता है, तो उसी को सोलर इक्लिप्स है जो कि कहते हैं। समझ गए? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे मून जो है जब अर्थ और सन के बीच में आ जाए, है ना, और इस एरिया के अंदर जो है वो लाइट नहीं आ पाए इस वाले एरिया के अंदर, तो इन वाले एरिया के लिए क्या हो जाता है, सोलर इक्लिप्स हो जाता है, क्योंकि मून बीच में आ गया तो सूर्य आपको दिखेगा नहीं। सूर्य दिखता भी है तो बहुत ही छोटा छोटा आपको इस तरीके से कोने कोने में दिखता है, बस इस तरीके से दिख रहा है आपको आई के शेप के अंदर, बहुत ही कम। चलिए ठीक है, तो टोटल सोलर इक्लिप्स है जब एंटायर पोर्शन जो है वो सन का ब्लॉक हो जाए मून के द्वारा, पार्शियल होता है जब थोड़ा थोड़ा दिखे, और एनुलर होता है एक स्मॉल रिंग है जो कि चारों तरफ देखने को मिले। तो ये तीन तरीके के सोलर इक्लिप्स है जो कि देखने को मिलते हैं, समझ गए? यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये परसिवरेंस जो है मोस्ट एडवांस और मोस्ट एक्सपेंसिव एक मोबाइल लेबोरेटरी है जो कि मार्स के ऊपर नासा के द्वारा भेजी गई थी। मतलब ये जो रोवर है ना उसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि एक खड्डे खोद के सैंपल भी उठा के लिया था उसकी टेस्टिंग के लिए। मोस्ट प्रॉमिसिंग जो रॉक एंड सॉइल है ना वो ये कलेक्ट है जो कि कर लेता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रोवर है जो कि इन्होंने 2020 के अंदर लॉन्च किया, 21 के अंदर इसने लैंड किया, है ना। MMRTG इसके ऊपर लगा रखा है जो कि कन्वर्ट करता है हीट को रेडियो एक्टिव डिके के अंदर प्लूटोनियम में, है ना, और बाद में उसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। फोर्थ प्लैनेट है सन से, आपको मालूम ही है मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट M, यानी कि मार्स आपका चौथा हो गया और सेकेंड स्मॉलेस्ट है सोलर सिस्टम के अंदर, हाफ है साइज ऑफ द अर्थ के। तो आप देख सकते हो सिमिलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है अर्थ और मार्स के बीच में, है ना। दोनों ही सन के ऑर्बिट करते हैं, सोलर सिस्टम भी एक ही है, दोनों रॉक और मेटल से बने हुए हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम है, दोनों की जगह पे पानी भी देखने को मिलता है, रॉक देखने को मिलती है, थिन क्रस्ट देखने को मिलता है, तो दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज है। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मार्स के ऊपर कॉलोनी है जो कि बसा सके, समझ गए? ऑर्बिट और रोटेशन पीरियड भी सिमिलर है, डिग्री का टिल्ट भी काफ़ी सिमिलर है, एटमोसफेयर भी काफ़ी सिमिलर है, है ना, लेकिन बस टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे 14-15 डिग्री है, वहाँ पे -60 डिग्री है एवरेज टेम्परेचर मार्स के ऊपर। तो टेम्परेचर को, लेकिन वहाँ पर सनलाइट आती है तो जो है वो हो सकता है मैनेज। इसके अलावा कई सारे ऐसे छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने सर्वाइवल दिखाया है मार्स के ऊपर। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी एक बोलते हैं ना इसको एडवांस इन्वेस्टिगेशन थी, जिसमें ये पता चला कि कई सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर रहते हैं वो मार्स के ऊपर भी सर्वाइव कर गए थे, यानी कि लाइफ वहाँ पर सर्वाइव कर रही है। तो इसीलिए उसके ऊपर सारे के सारे लोग पीछे पड़े हैं मार्स के ऊपर कॉलोनी बसाने को लेकर, ठीक है। चलिए, इसके पास में दो मून्स हैं, फोबोस और डायमोस, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ओके, इसके अब कई सारे मिशन हम लोग कर चुके हैं। एक्सो मार्स रोवर 2021 के अंदर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशिया ने मिलकर भेजा, एक ताइवान जो है चाइना मार्स मिशन भेजा गया। इसके अलावा UAE ने होप मार्स मिशन है जो कि पहला गल्फ कंट्री बनाई है। मंगलयान हम लोग ऑलरेडी जो है वो कर चुके थे। चलिए आगे बात करते हैं जो कि किसान भागीदारी प्राथमिकता कैंपेन। तो ये किसान भागीदारी प्राथमिकता कैंपेन ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि फसल बीमा योजना को यहाँ पे कैंपेन किया गया है, समझ गए? किसान भागीदारी प्राथमिकता कैंपेन में क्या होगा कि आपके जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना उसको प्रमोट किया जा रहा है ताकि मैक्सिमम लोग क्या कर सके, बीमा करवा सके, समझ गए? और अगर कल को उनके क्रॉप में कोई समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो क्या हो, कम से कम उनको कुछ हर्जाना है जो कि मिल सके, ठीक है। इसलिए इसको किया जा रहा है। इसको योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था और एम क्या था कि भाई इंश्योरेंस कवरेज है जो कि फेलियर ऑफ द क्रॉप के अंदर है जो कि मिल जाए, है ना। इसके अंदर 2% प्रीमियम जो है वो किसान देता है खरीफ क्रॉप के लिए और 1.5% रबी क्रॉप के लिए। ओके, कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए आपको 5% प्रीमियम है जो कि देना पड़ेगा, है ना। कोई भी फूड है, ऑयल सीड है, क्रॉप है, एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, उन सब का डाटा है जो कि इसके अंदर अवेलेबल करवाया जाता है। प्रीमियम के ऊपर की जो भी कॉस्ट आती है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में डिवाइड करके है जो कि पे करती है। अगर आपके घर में आप खेती बाड़ी करते हो, अगर आपका घर के अंदर कोई भी परिवार में करता है, तो हमेशा ये करवाया करो। फिर देखो, इंश्योरेंस बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। मुझे पता नहीं आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि नहीं आती है, लेकिन आप एक दिन बैंक जाओ अपने परिवार के, उसके लिए बोल रहा हूँ, अच्छाई के लिए,
अगर आप अपना सच में बुरे टाइम में चाहते हो कि आपको जरूरत ना पड़े कोई एक्स वाई जेड पैसों की या किसी भी तरीके से, तो आप एक दिन सरकारी बैंक चल जाओ SBI, ठीक है। SBI से जाके पूछो कि लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एक तो आप अपना करवाओ, आपका करवाओ, और एक आपकी फैमिली मेंबर का। फैमिली मेंबर का मतलब जैसे कि आपका फादर है, ठीक है, आपकी मदर है, जो भी आपके फैमिली के अंदर लोग हैं उन सबके, ये तीनों इंश्योरेंस के बारे में पता करो। मतलब 1,000-2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेंगे, एक महीने में 1,000 रुपये लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर आप ये तीनों सरकारी किसी बैंक से अगर आप लोगे ना, तो कल को सोचो कि अगर परिवार में कोई डेथ हो गई, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो परिवार को पीछे प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको पैसा मिल जाएगा। कल को मान लीजिए हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो गई, कैंसर हो गया, कोई भी बात हो गई XYZ, तो भी आपको फाइनेंशियल एक तरीके से एडवांटेज मिल जाएगा। कल को एक्सीडेंट हो गया तो भी बेनिफिट मिल जाएगा, है ना, किसी को डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, लोन नहीं लेना पड़ेगा। कितने बच्चों की रिक्वेस्ट आती है मेरे पास फंड्स के लिए, कितने बच्चों की जिनके परिवार में कोई एक्सीडेंट हो गया, अब पैसों की ज़रूरत है। तो ये सब ज़रूरतें क्यों होती है, क्योंकि इंश्योरेंस की कमी है। भला समझो इस बात को, आप लोग बैठे रहते हो कि हमारे तोड़ना होगा, अरे भाई एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, है ना, कोई भी किसी के हेल्थ के क्राइसिस आ सकते हैं। कितना ही बड़ा फिट क्यों ना, युवराज सिंह जैसे लोगों को कैंसर हो गया, उनसे बड़ा तो फिटनेस आपकी नहीं होगी ना, ठीक है, बहुत आर्मस्ट्रांग बहुत लोगों को हो चुका है, ठीक है। तो ये तीन जो है वो करवाया करो। अगर आप साथ में फसल का अगर आप उगा रहे हो तो ये फसल बीमा योजना करवाया करो, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। इसके लिए आपकी कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस आपको नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है कि यार क्या है मेरे और मेरे परिवार का, ये हो रखा है कि नहीं हो रखा, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। हो रखा है तो महीने का, अगर आप 10,000 रुपये 15,000 रुपये भी आपके परिवार की इनकम है, तो 1,000 रुपये अगर उसमें से चले जाएगा ना इन चीज़ों के लिए, तो लेकिन यकीन मानिए आपके ज़रूरत के टाइम पर बहुत काम आएगा, ठीक है। इस चीज़ को लाइटली मत लिया करो, इस चीज़ को। चलिए, सरकार पर डिपेंडेंट मत रहो कि भाई ठीक है सरकार देगी तब करेंगे, जॉब लग जाएगी तब जॉब के साथ में वैसे मिल जाएगा बीमा, नहीं होता ऐसा, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन और ड्रग डिपार्टमेंट जो है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, दोनों ने क्या किया है, हाथ मिलाया साथ में, ताकि PPP मॉडल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर ये लोग कई प्रोजेक्ट है जो कि लेके आएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करें, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, जो कि प्राइवेट कंपनीज को मदद देता है आगे बढ़ने के लिए, लोन भी अवेलेबल करवाता है। Washington DC के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपके IBRD, IDA, ये देखिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये फंडिंग भी देता है कई सारी कंपनीज को, आपके मीगा हो गया जो कि गारंटी देता है, और एक आपके डिस्प्यूट को सेटलमेंट करवाने के लिए, ये तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आती है, ठीक है। 56 में इसका फॉर्मेशन हुआ, और पॉवर्टी रिडक्शन, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, ये इसका काम है। 185 कंट्रीज के मेंबर है, और यहाँ पे मख्तार करके है जो कि इसके CEO और प्रेसिडेंट बने हुए हैं। इसके अलावा बात करें रूल्स एंड फंक्शन की, तो 2009 से इसका फोकस क्या है, डेवलपमेंट गोल क्या है, सारे प्रोजेक्ट जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाया जाए, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब काम किया जाए। भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली दोस्तों डाटा आया कि ग्राम पंचायत जितने भी है ना, उनके अंदर इंटरनेट फैसिलिटी बढ़िया हो, उसके लिए एक योजना लॉन्च करी गई थी जिसका नाम है भारत नेट प्रोजेक्ट। उसके अंदर जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है, जो 20,000 करोड़ से अब ये कॉस्ट 61,000 करोड़ है जो कि पहुंच गई है, अगर इस योजना को इंप्लीमेंट करना है तो, ठीक है, कॉस्ट जो है इसकी काफी बढ़ गई है। तो BBNL जो है ना, भारत नेट प्रोजेक्ट नेटवर्क लिमिटेड, इसको 2012 में कंपनी को बनाया गया था। पर्पस क्या था कि देश के अंदर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है जो कि डाला जाए। तो ये पहले इसका नाम BBNL था, बाद में जो है मोदी जी सरकार आई तो उन्होंने इसका नाम भारत नेट कर दिया। 2011 में अप्रूवल हो गया था, 3 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था, लेकिन अभी 11 साल हो चुके हैं और अभी तक मतलब सारी ग्राम पंचायत के अंदर इंटरनेट देखने को नहीं मिलता। सिर्फ कोई 1.5-2 लाख के आसपास है जो कि यहाँ पे ग्राम पंचायत है जहाँ पे इसको अवेलेबिलिटी हुई है। तो भारत नेट प्रोजेक्ट, इसको नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तौर पे जाना जाता था पहले, 2.5 लाख ग्राम पंचायत को जो है अवेलेबल करवाने के लिए बोला गया था ऑप्टिकल फाइबर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के अंडर में, ठीक है। लेकिन अभी तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाई है। 2 MBPS से 20 MBPS स्पीड अवेलेबल करवाने का प्रोजेक्ट था, ठीक है गाइस, रूरल एरियाज के अंदर एक्चुअली में। आगे बात करते हैं रिवर रैंचिंग प्रोग्राम। ये देखो क्या होता है प्रोग्राम, इसके अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, जो मछलियाँ जब पैदा करने की, तो पहली स्टेज जो होती है जब मछलियाँ पैदा होती है उसके बाद में एक एरिया बनाया जाता है, वहाँ पे कुछ टाइम तक के लिए उनको रखा जाता है। उसके बाद में वो सारी मछलियों को नदी में छोड़ दिया जाता है ताकि वो लोग मछलियाँ अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकें, और जब वो मल्टीप्लाई हो जाती है तो बाद में फिर आप क्या कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, है ना, खाने के अंदर उसको काम में ले सकते हो।
तो रिवर रेंचिंग प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो आपकी ICAR है, सेंट्रल इंडियन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है प्रयागराज राज्य में, उनके द्वारा इसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया गया। गंगा के अंदर इन्होंने 10,000 फिश जो है अभी रिसेंटली छोड़ी है, राहु से लेकर कटला से लेकर काफी सारी फिश है जो कि इन्होंने छोड़ी है। इसको बोला गया है नेशनल रेंचिंग प्रोग्राम, जो कि उत्तर प्रदेश में 2021 में लॉन्च किया गया था। मोटिव क्या था, रेंचिंग क्या होता है, एक तरीके से ये एक्वा कल्चर का पार्ट है जिसके अंदर आप पॉपुलेशन फिश की बढ़ाते हो, है ना। पहली स्टेज में आप उसको अपने पास रखते हो, बाद की स्टेज उसको नदी में छोड़ देते हो ताकि वो अपने आप को बाद में मल्टीप्लाई कर सके। ओके, मोटिव क्या है इस प्रोग्राम का, ताकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को हम लोग आगे लेके जा सके, जो फिश का प्रोडक्शन है उसको हम लोग बढ़ा सके, ताकि ह्यूमन पॉपुलेशन की जो नीड है वो भी पूरी हो सके और बाद साथ में हम इसको एक्सपोर्ट करने के अंदर भी मदद ले सके। तो एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्वालिटी प्रोटीन की और फिश की डिमांड बढ़ चुकी है, सस्टेनेबल यूज और कंजर्वेशन के लिए फिश को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करी गई, है ना। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री संपदा योजना 20,000 करोड़ रुपए की डिमांड, इसके अंदर 20,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए थे। ओके चलिए, ऑलराइट आगे बात करते हैं। देखो फिश प्रोडक्शन जो है वो 70 लाख टन का एक्स्ट्रा करने के लिए बोला गया 24-25 तक। इंक्रीज फिशरीज एक्सपोर्ट अर्निंग 1,00,000 करोड़ रुपए तक का 24-25 तक इंक्रीज इनकम को बढ़ाने के लिए बोला गया, फिश के फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए, और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है उसको 20-25% से 10% करने के लिए ये योजना का टारगेट है जो कि बनाया गया। आगे बात करते हैं नासा का लूसी मिशन को लेकर। तो नासा का दोस्तों ये जो लूसी मिशन है ना, ये कई सारे एस्ट्रॉइड के ऊपर स्टडी कर रहा है। ओके, जुपिटर के है ना ऑर्बिट के अंदर कई सारे एस्ट्रॉइड, और उनकी स्टडी जो है वो अर्थ के ऊपर पहुंचा रहा है। रिसेंटली 2 स्टेप और जो है ये आगे बढ़ा है, मतलब सोलर एरे जो है इसको लॉन्च करने को लेकर इन्होंने नासा ने आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 के अंदर नासा का फर्स्ट मिशन था जिसने अक्टूबर 2022 क्या पहले लॉन्च किया गया था इसको, यार दो साल पहले लॉन्च किया गया था। नासा का फर्स्ट मिशन था जिसने जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड के ऊपर ये रिसर्च करेगा, सोलर पावर्ड मिशन है, 12 साल का ये मिशन है जिसमें 8 एस्ट्रॉइड के ऊपर ये स्टडी करेगा, 6.3 बिलियन किलोमीटर ये ट्रैवल करेगा और यंग सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, कंपोजिशन देखेगा कि एस्ट्रॉइड के ऊपर किस तरीके से बना होता है, जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड है उनको स्टडी करेगा जो भी आपके जुपिटर के आसपास के हैं। ओके चलिए, बाकी तो कुछ खास नहीं है। करंट अफेयर शॉर्ट्स की बात करें, मेघालय ई प्रपोजल सिस्टम जो है उसको UN अवार्ड से सम्मानित है जो कि किया गया है। तो मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर ये इनका एक सिस्टम है, उन्होंने ई प्रपोजल सिस्टम है जो कि बनाया था। तो अभी UN का एक अवार्ड था, वर्ल्ड समिट था, इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम, वहां पे इसको प्राइज मिला। केरला ने साइन किया MOU नीदरलैंड के साथ में, किस लिए, कॉस्मोज प्रोजेक्ट के लिए, है ना, कॉस्मोज माला बैरिकस प्रोजेक्ट के लिए जो है केरला की हिस्ट्री को समझने के लिए ये लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। रोबोट जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया स्लोवेनिया का, वापस से रोबोट जो है 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को हरा के, उन्होंने यहाँ के जो 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हरा के यहाँ पे PM है जो कि ये बन गए हैं। इंडिया विल होस्ट द 2021 वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, ये इंडिया के अंदर है जो कि होने वाला है। वोकैबुलरीज की बात करें, गार्गाचुआन पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जो बहुत ही बड़ा होता है उसको कहते हैं गिंगेटिक, पॉइज्ड का मतलब है बैलेंस करना, और इटरेशन का मतलब है बार बार रिपीटेशन करना, और रिडाउंड का मतलब होता है अटैक करना, कम बैक करना, किसी चीज़ को रिटर्न करना, उसको रिडाउंड कहते हैं। और नेक्स्ट है ऑस्ट्रीपेरियस, इसका मतलब होता है जब आप बहुत ही लाउड साउंड करते हो, नॉइजी साउंड करते हो, तो हम लोग उसको ऑस्ट्रीपेरियस है जो कि पेरियस है जो कि हम लोग कहते हैं। फन फैक्ट के बारे में बात करें तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो हमारे अर्थ का कोर है ना वो सन के आउटर से भी ज़्यादा हॉट है, मालूम है आपको ये बात। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अर्थ का कोर जो है, जो आउटर लेयर है सन की, वहां पे टेम्परेचर आपको 5500 डिग्री देखने को मिलता है ना, जिसको अपन बाहर को बोलते हैं कोरोना। लेकिन अर्थ का जो कोर टेम्परेचर है ना वो 6100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि हमारा जो कोर है वो सन के आउटर से भी ज्यादा हॉट है। ठीक है गाइज, चलिए इसके अलावा दोस्तों आज लास्ट डे है, 28th of April है आज, तो आप सभी को मालूम है आज लास्ट डे जब आपको 20% ऑफ है जो कि अनअकैडमी के ऊपर मिलेगा अगर आप BHU10 रेफरल कोड काम में लेते हैं तो। ठीक है गाइज, तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ऐप डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालें, यहाँ पे गोल सेलेक्ट करें आपके 40 प्लस एग्जाम में से, प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 मंथ पे, और नीचे की तरफ आप BHU10 है जो कि आप लगा सकते हैं। ठीक है,
चलिए, और smileforallsociety.org की वेबसाइट पर जाके हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 500 रुपये पर मंथ में एक बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं। चलिए, आपको आज का पहला सवाल है जो कि आपको बताना है, प्रिंसिपल जो कैबिनेट को लेकर है कौन सा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो है वो किन को लेकर बनाया गया है। विथ रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। मार्स, हु इज मार्स इन मैथोलॉजी, हु डिस्कवर्ड द टू सैटेलाइट्स ऑफ मार्स, ये कुछ आपको क्वेश्चन बताना है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।